दोस्तों, हमारे शरीर की गाड़ी के इंजन से तुलना की जाए तो खून इस इंजन को चलाने वाला एकमात्र ऐसा फ्यूल है जिसकी कमी होने पर हमारे जिंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए रुक सकती है। जो भी हम खाते हैं या फिर पीते हैं वो हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद खून में ही तब्दील होता है। खून का मुख्य काम शरीर के सभी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 4 अरब से भी ज्यादा लोग शरीर में खून की कमी से परेशान हैं। आमतौर पर जब शरीर में खून की कमी होती है तो इसका काफी लंबे समय तक पता भी नहीं चलता और हो सकता है कि इस समय आपके शरीर में भी खून की कमी हो और आप इस बात से पूरी तरह अनजान हो। हमारे शरीर में खून की कमी आखिर होती कैसे है? अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो इसका घर बैठे ही पता कैसे लगाया जा सकता है? कैसे खून की कमी से छुटकारा पाकर एनीमिया जैसे गंभीर रोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा शरीर मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स वो सेल होते हैं जो हमारे दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। सेल्स अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा कर सके इसके लिए खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन खून का सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है। इसका कलर लाल होता है और इसी वजह से हमारा खून भी लाल कलर का दिखाई देता है। शरीर में आयरन की कमी हीमोग्लोबिन की कमी को जन्म देती है और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम होने लगती है या उसका आकार छोटा होने लगता है या उनके ऑक्सीजन इकट्ठा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने खून का इलाज करवाता है तो सरल भाषा में खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी को ही खून की कमी या फिर एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाए तब भी खून की कमी हो सकती है। खून की कमी होने पर इसका कुछ विशेष लक्षणों के जरिए पता लगाया जा सकता है। शरीर के सभी अंगों तक ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हमारे दिल का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से व्यक्ति पूरे समय थका हुआ महसूस करने लगता है। हर वक्त आराम करने की जरूरत लगने लगती है। घूमने फिरने, साफ सफाई करने, थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करने पर दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा थकान हो जाती है और दिल की धड़कन बार बार तेज होती रहती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन को भी पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर महसूस करने लगता है। बार बार सर भारी होने लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है और सोचने, समझने और कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। एनीमिया की स्थिति जब ज्यादा गंभीर हो जाती है तो त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है, चेहरे की रौनक पूरी तरह से खत्म हो जाती है और व्यक्ति सुस्त और कमजोर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा कमजोरी के कारण बार बार चक्कर आना, उल्टी, घबराहट, तेज सर दर्द और बेहोशी जैसे लक्षण भी खून की कमी होने पर नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता कि आखिर खून की कमी होती किस वजह से है? सबसे ज्यादा आम वजह है भोजन में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके खान पान के जरिए शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो खून में अपने आप ही आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने लगता है जो कि बाद में एनीमिया को जन्म देता है। इसके अलावा किसी वजह से शरीर का बहुत सारा खून बह जाए तब भी एनीमिया की स्थिति बन सकती है। महिलाओं में प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है क्योंकि कई बार पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और 40 की उम्र के बाद मेनोपॉज के समय भी खून में आयरन और हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 की कमी हो ही जाती है। इसके अलावा लीवर की बीमारी जैसे कि जॉइंटिस, लीवर सोरेसिस आदि भी शरीर में खून की कमी पैदा करते हैं और थायराइड के मरीजों को भी कुछ स्थितियों में एनीमिया हो सकता है। अगर आपका पाचन कमजोर है जो कि खाए गए भोजन में से पूरे पोषक तत्व नहीं ले पा रहा है तब सब कुछ खाने के बाद भी खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। यह स्थिति बहुत ही कॉमन है। इसमें ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि खून बढ़ाने वाली चीज़ों को खाने के बावजूद भी खून नहीं बढ़ रहा है। खून की कमी या एनीमिया को दूर करने के लिए जरूरी है कि बॉडी में खून की मात्रा भी अधिक हो और खून की क्वालिटी भी बेहतर हो और साथ ही खून बढ़ाने वाली चीज़ों का असर शरीर में जल्दी दिखे। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि चीज़ों को सही समय पर और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए। आइए जानते हैं कुछ असरदार खाए जाने वाली चीज़ें और घरेलू नुस्खों के बारे में जिनके नियमित सेवन से कम समय में खून की कमी को तेजी से पूरा किया जा सकता है। डाइट की बात की जाए तो खान पान में ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे, इसमें आयरन, विटामिन सी, क्लोरोफिल, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खून की कमी होने पर इसका सेवन करने से शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही ज्यादातर डॉक्टर एनीमिया होने पर आंवले का जूस पीने की सलाह जरूर देते हैं जो विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि न सिर्फ खून में वृद्धि करता है बल्कि बालों और त्वचा की सेहत के लिए भी बेहद ही उपयोगी माना जाता है। हफ्ते में 3 बार यानी कि 1 दिन छोड़कर
एक दिन 30 ml व्हीट ग्रास और 30 ml आंवले का जूस को आपस में मिक्स करके सुबह नाश्ते के साथ सेवन करें। लगातार इसके इस्तेमाल से पहले दूसरे हफ्ते में ही खून के हीमोग्लोबिन लेवल में तेजी से बदलाव आने लगता है। चुकंदर के पत्ते। हम सभी जानते हैं चुकंदर खाने या फिर इसका रस पीने से शरीर का खून बढ़ता है, लेकिन चुकंदर में मौजूद आयरन शरीर में पूरी तरह से ऑब्जर्व हो सके इसके लिए इसे नींबू के रस के साथ पीना जरूरी है। और साथ ही खून में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ाने के लिए चुकंदर से भी ज्यादा फायदेमंद इसके पत्ते होते हैं, इसलिए जब भी चुकंदर खरीदें तब साथ में इसके पत्तों को भी जरूर लें। सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ करके रोजाना सुबह नाश्ते के साथ चुकंदर और उसके पत्तों का जूस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। जिन लोगों को खून की कमी की वजह से सर में भारीपन और लगातार थकान बनी रहती है, उन्हें रोज अपने दिन की शुरुआत चुकंदर या चुकंदर के जूस से ही करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का स्टैमिना एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो चुकंदर और चुकंदर के पत्ते बेहद ही फायदेमंद होते हैं और साथ ही इससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। एनिमल लीवर। वेजिटेरियन के मुकाबले नॉन वेजिटेरियन लोग खून की कमी या फिर एनीमिया जैसी बीमारी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। खून में आई आयरन, हीमोग्लोबिन और फॉलिक एसिड की कमी में मांस, अंडे और मछली का सेवन से बहुत जल्दी सुधार आता है। जानवरों का लीवर इस बीमारी में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स के मुकाबले एनिमल लीवर में 10 गुना ज़्यादा आयरन और विटामिन B12 होता है। आमतौर पर जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उन्हें खून की कमी होती ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो एनिमल लीवर को लगातार सेवन करने से खून की कमी बेहद जल्दी ठीक हो जाती है। इसके लिए अच्छे रिजल्ट के लिए हफ्ते में 3 बार एक दिन छोड़कर एक दिन चिकन या फिर गोट लीवर का सेवन जरूर करें। अगली चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। खून की कमी या एनीमिया होने पर ड्राई फ्रूट्स का रेगुलर सेवन करना चाहिए। यह आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। किशमिश, अंजीर और खजूर, ये तीनों ही शरीर में खून को तेजी से वृद्धि करते हैं और साथ ही थकान, कमजोरी और घबराहट जैसी प्रॉब्लम भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रोजाना दिन के समय 8 से 10 किशमिश, 2 सूखी अंजीर और 3 से 4 खजूर को दूध में गलाकर रखें और रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ इसका सेवन करें। यह इतना असरदार है कि आपको पहले हफ्ते में ही शरीर की ताकत में फर्क नजर आने लगेगा और धीरे धीरे खून में आई कमी भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को अंदरूनी कमजोरी है, पूरे दिन थकान महसूस होता हो, तो वो इस तरह ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। अगली चीज है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर। अगर आप खून बढ़ाने के लिए पहले से ही सारी चीजें खा चुके हैं या आपका पाचन कमजोर है जिसके चलते खून बढ़ाने वाली चीजों का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसे में रोजाना खाना खाने से पहले 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके का सेवन पानी के साथ मिलाकर करें। एप्पल साइडर विनेगर हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, साथ ही भोजन से आयरन ऑब्जर्वर की शक्ति को भी बढ़ाता है। सब कुछ खाने के बाद भी अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन और आयरन इंक्रीज नहीं हो रहा हो तो अपने डाइट में एप्पल साइडर विनेगर को जरूर शामिल करें। अगली चीज है शिलाजीत। शिलाजीत शरीर में आई हर तरह की कमजोरी के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। रोजाना शिलाजीत के सेवन से खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और साथ ही हमारी त्वचा, बाल और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। एनीमिया में होने वाली थकान और चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम शिलाजीत के सेवन से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। शिलाजीत एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। चलिए अब बात करते हैं एनीमिया या फिर खून की कमी होने पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सभी बीमारियों का सीधा कनेक्शन हमारे पेट से होता है और पेट का हमारे भोजन से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का सादा भोजन करें। बाहर का जंक फूड जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा शून्य होती है उन्हें बिल्कुल ना खाएं। खाने में हरी सब्जियां जैसे पालक, शिमला मिर्च, ब्रोकली और सभी हरे पत्तेदार सब्जियां खून बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी पीने से हमारा खून एसिडिक हो जाता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है, जिस वजह से खून बढ़ाने वाली दवाइयों और घरेलू नुस्खों का असर बहुत धीमा पड़ जाता है। इसी तरह चॉकलेट भी खून बढ़ाने में बाधक होती है, क्योंकि इससे शरीर में आयरन ऑब्जर्व करने की क्षमता धीमी पड़ने लगती है। इसलिए जितने समय आप इस समस्या से जूझ रहे हैं उतने समय के लिए चाय, कॉफ़ी या फिर चॉकलेट्स का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाजार में मिलने वाली अभी मीठे ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं जिससे खून में ऑक्सीजन की कमी आती है। इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। मैदे में ग्लूटेन होता है जिसका हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ ही ये भोजन में मौजूद आयरन को खून तक पहुँचाने से भी रोकती है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें और ठंडा या फिर बासी भोजन बिल्कुल ना करें, हमेशा गर्म और फ्रेश चीज़ों का सेवन करें।
अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो फ्रिज का पानी, बर्फ वाला पानी जितना हो सके अवॉइड करें। तो दोस्तों आज हमने जाना खून की कमी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कुछ घरेलू उपाय। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल।